हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर वैभव नाडकर्णी है। मैं ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ 21st सेंचुरी हॉस्पिटल में। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो बहुत सारी लेडीज हमको पूछती हैं, उसका जवाब लेकर आए आज। व्हाट कॉजेज पीरियड्स टू कम अर्ली, यानी कि पीरियड जल्दी जल्दी एक महीने की जगह 25 दिन में 20 दिन में आने के क्या क्या कारण हो सकता है इसका। अब पीरियड जो होता है वो क्यों आता है, हर एक लेडी में एक बच्चेदानी होती है, दोनों साइड ट्यूब, दोनों साइड अंडकोश होता है। हर महीने दोनों साइड 6 से 8 स्त्रीबीज होते हैं और उसमें से एक स्त्रीबीज बड़ा होता है और 14वें या 15वें दिन पे फूटता है। उस टाइम पे रिलेशन ना रखो या आपकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है तो क्या होता है, वो अंडा फूटता है, ट्यूब में से आता है और हम अंदर देखते हैं कि स्पर्म नहीं आया है वो इसमें, तो पीरियड आ जाता है। तो हर महीने लेडी को ऐसे पीरियड आता है, बीज फूटने के 15 दिन बाद पीरियड आता है। अब जिन लेडीज की उम्र 30-35 से ज्यादा हो चुकी होती है तो अपने रिप्रोडक्टिव करियर के, यानी कि अपनी उम्र के 35 के बाद एक लेडी के पीरियड का लास्ट पार्ट आना स्टार्ट हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, दोनों साइड अंडकोश में बीज कम होना शुरू होते हैं और जैसे ही बीज कम होना शुरू होते हैं, जो 6 से 8 त्रिबीज थे दोनों तरफ, वो 3 या 4 हो जाते हैं और उसकी वजह से जो बीज तैयार होता है वो 14वें दिन के बदले 10वें या 11वें दिन पे फूट जाता है। तो जब जल्दी बीज फूटता है वैसे ही जल्दी पीरियड आता है। तो अगर आपके पीरियड जल्दी आ रहे हैं, यानी कि समय से पहले आ रहे हैं, 20 दिन में, 22 दिन में, 23 दिन में आ रहे हैं, तो आपको पीरियड जल्दी आ रहा है, यानी कि आपका पीरियड जाने की कगार पे है, यानी कि मेनोपॉज, यानी कि मासिक पीरियड बंद होने का समय आना शुरू हो गया है। इसके अलावा अगर आपको बार बार ब्लीडिंग हो रही है, यानी कि हर 15 दिन में ब्लीडिंग हो रही है या 20 दिन में ब्लीडिंग हो रहे हैं, तो वो ये भी हो सकता है कि कोई गांठ है, कोई मसा है, कोई ओवेरियन सिस्ट है, यानी कि अंडकोश में कोई गांठ है या बच्चेदानी में कोई गांठ है, उसकी वजह से ब्लीडिंग होना वो भी पॉसिबल है। बट इस टाइप की ब्लीडिंग यूजुअली इरेग्युलर होती है, यानी कि 20 दिन 22 दिन 10 दिन 12 दिन प्रेडिक्टेबल नहीं होती, लेकिन प्रेडिक्टेबल रेगुलरली अगर जल्दी मेंसेस आ रहा है तो वो मेनोपॉज के कारण होता है, यानी कि मासिक जाने के कारण या जाने की कगार पे है उसके कारण। थैंक यू।